अलीगढ़ में पिछले 3 माह में कुछ वारदातें ऐसी हुई जिसमें कुछ अपराधियों द्वारा शहर में किनारे पड़ रहे मकानों में पीछे से प्रवेश किया गया और वहां पर सो रहे लोगों के ऊपर ब्लंट ऑब्जेक्ट्स जैसे लाठी डंडा ईंट वगैरह से मारपीट की गई और वहां पर जो भी उनको सामान मिला उसको उसमें लूट की गई। इस क्रम में जो है हत्याएं भी हुई, कई लोगों की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 1.5 महीने पहले हम लोगों को एक इनपुट मिला जिससे ये लगा कि कोई आसपास का एक घुमंतू गिरोह है जो इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ है। सुराग लगने पर हमारी सर्वेलेंस टीम पूरी तरीके से लगी और उन्होंने इस 6 लोगों के गैंग में से आज 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इन लोगों ने जनपद अलीगढ़ में थाना गभाना में 17 फरवरी को हुए वारदात, हरदुआगंज और थाना अकराबाद में, थाना गंगिरी में अप्रैल में हुई 2 वारदातों को कबूल किया है जिसमें 3 लोगों की हत्या भी हुई और कई लोग घायल हुए हैं। 4 सदस्य इस गैंग के अभी भी फरार हैं जिनके लिए हमारी टीमें रवाना हैं। हमको उनके संबंध में अच्छी जानकारी भी है और हम आशा करते हैं कि जल्दी वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे। यही नहीं, इनके द्वारा कई और घटनाओं के संबंध में हमें क्लू मिले हैं और हमने संबंधित जनपद प्रभारियों से बात करी है कि यदि उनके यहाँ इस मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से कोई घटनाएं अनवर्कआउट हों तो तत्काल उस विवेचक को वहाँ यहाँ भेजें और इनसे अग्रिम पूछताछ की जा सके। कितने डिस्ट्रिक्टों में अब तक वारदात कर चुके हैं? बकौल इनके कम से कम 6-7 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने जरूर बताए हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट का भी सेंस कम है और इनको टाइम और डेट का भी कम सेंस है। बता नहीं पाते कि जैसे जनवरी में अगर पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे, ये बताएंगे कुछ समय पहले। टाटा 407 में मूव करते हैं और जो घर आइडेंटिफाई कर रखा है उससे कुछ दूरी पर इसको खड़ा कर देते हैं, करीब 1 किलोमीटर, और वहाँ से फिर 1-2 लोग वहीं रुक जाते हैं गाड़ी पर और ये लोग पैदल जाते हैं। पैदल जाने के बाद 4-5 लोग घर में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी ये अपने पूरे वस्त्रों में रहते हैं, कभी कभी ये अपने कपड़े चेंज करके कच्छा और बनियान की वेशभूषा में भी इन्होंने वारदातें कर रखी। इनका पिछला रिकॉर्ड भी कुछ अभी इनके द्वारा हमको इनका पिछला रिकॉर्ड नहीं पता चल रहा है। इनमें हर व्यक्ति के कम से कम 4-4, 5-5 नाम इन्होंने रख रखे हैं जिससे पुलिस को धोखा दिया जा सके और हर बार जब हम पूछते हैं तो किसी थाने में कोई डिफरेंट नाम से इनके बारे में जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ा ही जटिल सा काम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। इनके द्वारा ये घर में कूदने की वारदातों के अलावा भी रोड पर चलते हुए किसी साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार से पैसा छीनने की बात बताई गई। चूंकि इनको जगह की बहुत सटीक जानकारी ये नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोगों ने जो संभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे मैसेज फ्लैश किया है कि यहाँ पर आगरा से, जैसे इन्होंने भी एक बताया है, एक घटना एक अचनेरा की तरफ एक घटना का किया जाना इन्होंने बताया, तो हम लोगों ने उस तरफ मैसेज फ्लैश किया है कि आपके यहाँ कोई घटना अगर हो रखी है इस तरीके से तो तत्काल जो है हमसे संपर्क करें और इन लोगों से बातचीत करें। अभी तक टोटल कितनी हत्याएं कर चुके हैं? ये इनको याद नहीं, इनको घटनाओं की भी याद नहीं, बात करने पर कह रहे हैं कि कितनी की हमको याद नहीं, हमने तो कई करी हैं। किस तरह कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? जितनी भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी, इनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। बकौल इनके बताया गया है कि इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अगर ये प्रथम केस है, अगर ये प्रथम केस है तो इनका हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और सभी संबंधित को, आसपास के राज्यों को भी हम इनका अलर्ट जारी करेंगे, क्योंकि संभव है कि ये यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान की तरफ जो मथुरा होते हुए जाता है उधर से भी जा सकते हैं, हरियाणा की में भी वारदात कर सकते हैं। तो इसमें अभी गहन विश्लेषण की जरूरत है। मेरे द्वारा एसटीएफ को भी बताया गया है और एसटीएफ की यूनिट जो है कुछ देर में यहाँ पे आगरा से चल पड़ी है और आएगी और इनसे पूछताछ करेगी। ना पीछे करिए, आईडी ऊपर चौधरी बदरू सर।
छर्रा से हम लौट गए, सब हमने गाड़ी रोक दी वहाँ पर। उस मंदिर पर पहुँचे, उस मंदिर पर हमने जो क्या है पकड़ी, पकड़ने के बाद में घूट घूट करी, करने के बाद में उनका भला भला उठाया, भला भला उठा के उन्हें हम पीछे डाल गए और हम फिर बैठ गए। हम कितने पैसे मिले उनको? कोई ऐसा कोई 500-600 रुपये करीब मिले थे। ठीक,